नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के खिलाफ पुलिस ने फाइल की चार्जशीट, यौन शोषण पीछा करने का लगा था आरोप। बॉलीवुड कोरियोग्राफर गणेश आचार्य मुश्किल में पड़ गए हैं। मुंबई पुलिस ने गणेश के खिलाफ दर्ज केस पर अब चार्जशीट फाइल कर दी है। गणेश आचार्य पर यौन शोषण पीछा करने, ताक झांक करने और परेशान करने जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें, गणेश आचार्य कई हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों में अभी तक इन्होंने काम किया है, लेकिन जब इतने बड़े एक्टर पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो यकीनन होश उड़ना तो बिल्कुल लाजमी है और इनके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। गणेश आचार्य के खिलाफ ये केस 2020 में उनकी एक साथी डांसर और असिस्टेंट कोरियोग्राफर ने किया था। इसी साल एक और डांसर ने गणेश आचार्य पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इन आरोपों को गणेश ने खारिज कर दिया था। मुंबई के ओसीवारा पुलिस स्टेशन के अफसर संदीप सिंधे ने बताया कि अंधेरी के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में चार्जशीट को फाइल किया गया है। उन्होंने कहा, गणेश आचार्य और उनके असिस्टेंट पर धारा 354A, 354C, 354D, 509, 323, 504, 504, 506 और 534 के तहत चार्जशीट दर्ज की गई है। बात करें अगर कि महिला ने किस बात के लिए आरोप लगाए हैं, तो गणेश आचार्य से मामले पर बातचीत नहीं हो पाई है। जनवरी 2020 में गणेश आचार्य पर उनकी एक असिस्टेंट ने यौन उत्पीड़न का इल्जाम लगाया था। महिला का कहना था कि गणेश की सेक्सुअल मांगों को पूरा ना करने पर कोरियोग्राफर ने उनका शोषण किया था। महिला ने यह भी कहा था कि गणेश ने उनके साथ जबरदस्ती की और उन्हें पोर्नोग्राफी फिल्म दिखाई थी। इतना ही नहीं, महिला का कहना था कि इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन कोरियोग्राफर एसोसिएशन से उनकी मेंबरशिप को भी रद्द कर दिया गया था। उस समय गणेश आचार्य इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन कोरियोग्राफर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी थे। तो यहां पर आप देखिए कितने गंभीर आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं और इसके बाद इनके साथ बड़ी कार्यवाही भी हो सकती है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।